सिरोही जिले की बरलूट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो डोडापोस्त तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से एक स्कॉर्पियो कार समेत दो देसी कट्टे भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये तस्कर डोडापोस्त भरने उदयपुर की तरफ जा रहे थे, जिसकी सूचना बरलूट पुलिस को मिलते ही थानाधिकारी मोहनलाल बिश्नोई ने इलाके में नाकाबंदी करवाई। इस दौरान पुलिस ने कार को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश कार को रोकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा करके बदमाशों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज बलूर थाने को सूचना मिली थी कि दो बदमाश है जो तस्करी के लिए डोडापुर की तस्करी करते हैं, तो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आ रहे थे, तो इस पर सूचना उन्होंने नाकाबंदी करी। उस नाकाबंदी को देख के तस्करों ने इसकी गाड़ी को नाकाबंदी को तोड़ने का प्रयास किया और इसके आगे भागे, और जो पुलिस इसके पीछे लगी उन्होंने बदमाशों ने फायरिंग भी पुलिस की तरफ से किया, लेकिन बलूर पुलिस ने उसको घेराबंदी करके जावल नदी के पास में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।